ये क्या है? इसका मतलब अग्निबारी तुम्हारी है। कहते हैं दुल्हन का मेहंदी वाला हाथ अगर किसी को लग जाए तो अगली बारी दुल्हन बनने की उसकी होती है। मैं नहीं मानती इन बातों को। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर किस्मत में अगले हफ्ते दुल्हन बनना लिखा है तो बनोगी ना? किस्मत से लड़ोगी क्या? हाँ लड़ लूंगी किस्मत से। और वैसे भी ये जो हाथ है ना, ये मेहंदी लगाने के लिए नहीं, कलम थामने के लिए बने। और अगर इरादे मजबूत हो ना तो किस्मत भी हार जाती है। बख्तावर को बिगाड़ने में शरीफा का हाथ जो है सो है, मगर आपकी भी बहुत बड़ी गलती है हमीद। क्या जरूरत थी उसको कॉलेज में दाखला कराने की? कल की बच्ची आज हमारे मुंह को आती है। कल ही जाकर फौरन मना कर दे कॉलेज जाने से। मुझे इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अरे बाप बरसों से रूपोश है, भाई घर में बीमार पड़ा हुआ है, और ये हार सिंगार कर कर पराई शादियों में नाचती फिर रही है। तो एक वक्त मुझे किस बात पे तराज है, उसके कॉलेज जाने पे या शादी पे नाचने पे? कोई एक बात हो तो बताओ ना। आपकी बहन तो कहती थी उसका खाविन सारा जेवर बेचकर खा गया, उसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखकर आ रही हूँ, ये बड़े बड़े सोने के झुमके पहन के ऐसी इतराती फिर रही थी बख्तावर, और हमारे सामने दोनों माँ बेटियाँ कैसे टसवे बहाती हैं। हम तो गरीब हैं, हम तो फकीर हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो खाने को मर रहे हैं। बस बस, देखने एक वक्त मैं उसे मना कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। कॉलेज की फीस और किताबों का खर्चा बख्तावर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर पूरा करती है, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं गुड्डू की दवा और घर के राशन में उनकी मदद करता हूँ। मैं जोर जबरदस्ती करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। उनका हाथ हमारे हाथ के नीचे रहने दो, इसी में हमारा फायदा है। मामी नहीं, बेटे की माँ बनकर सोचो।